जो सांप काटता है ना उसकी जड़ी बूटी इनको पता है। एक बार इनसे देख लेते कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी। कि मेरी YouTube पेमेंट कितनी आई, मेरी YouTube पेमेंट आई है। तो आज करने वाले हम हाइकिंग, जो कि ये 7 किलोमीटर की होने वाली है। और मेरे यहाँ से देखोगे आप ये जो खेत है, ये जंगल का रास्ता पूरा, तो ये पड़ेगा यहाँ से 7 किलोमीटर। और 7 किलोमीटर होगा हमारा ये आना जाना, तो ये टोटल पड़ेगा 14 किलोमीटर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी रावत और आप देख रहे हैं समय SR पहाड़ी ब्लॉग। तो रास्ता कुछ ऐसे होने वाला है, ऐसे जंगल 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 जंगल, फिर यहाँ से और इसको वाले कोने में जाएंगे हम। और आज धूप भी बहुत बढ़िया लग रही है, हवा भी चल रही है। अब चलिए फिर चलते हैं। और मैं अकेला हूँ और ये लास्ट पहाड़ी है जहाँ से हमारा गाँव दिखता है। इसके बाद हमारा गाँव नहीं दिखेगा। अब हम चले जाएंगे इस पहाड़ी के अंदर की साइड से। जब तक हम उस साइड नहीं पहुँचेंगे तब तक गाँव नहीं दिखेगा। आजकल ना धूप वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है कि धूप में ना इतने दिनों से ठंड वगैरह हो रही थी, तो सांप वगैरह के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे ना सांप रास्तों में धूप सेकने के लिए निकल आते हैं, तो वो धूप वगैरह सेकते हैं। तो एक छोटी सी डंडी सारे के लिए होनी ज़रूरी है। तो अब चलते हैं यहाँ से घूमते फिरते। और यहाँ पर देखिए घास भी कितनी बड़ी बड़ी हो रही है रास्तों में ही, और ऐसी घास में सांप वगैरह हो तो बहुत ही रिस्की वगैरह हो सकता है ये चीज़ें। तो अपना घूमते फिरते चलते हैं, यह घास नहीं काटी ना लोगों ने। अब मैं करने वाला हूँ इस जंगल के अंदर एंटर। और यहाँ पे ना जब से रोड वगैरह आई है तब से 1.5-2 साल से इस रास्ते से कोई नहीं गया, तो अब मैं पहला आदमी होऊंगा जो यहाँ से जाएगा। यहाँ पे भालू, बाघ, गुलदार, सांप, भालू वगैरह ये चीज़ें मिल सकती हैं, तो ये रास्ता बहुत ही रिस्की हो सकता है। अब मैं अकेला जा रहा हूँ इस रास्ते पर। अक्सर जो आप देखोगे ये फूल लोग घर पे लगाते हैं, और ये जंगल में लगे पड़े हैं। और अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कई सालों से इस रास्ते पे कोई चला नहीं है। मेरे सामने देखोगे ये मकड़ी का जाला लगा है पूरा बीच रास्ते में, बिल्कुल ये जाल फैलाए पड़े हैं इस साइड से इस साइड को, पूरा रास्ता इन्होंने बंद किया पड़ा है। जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ इस जगह को बोला जाता है दलान। और यहाँ से इतनी दूर से हमारे जो गांव में पानी आता है वो यहीं से आता है, नेचुरल पानी, इन्हीं पेड़ पौधों से। तो दिखाते हैं आपको पानी कैसे कैसे करके स्रोत से आता है। तो यहाँ पे तो ये तिरपाल इसलिए बिछाई है ताकि जो पत्ते वगैरह है इसमें ना जाए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मिट्टी जमाए और ये मिट्टी को फिल्टर करने के लिए परात लगा रखी है, इसमें छेद वगैरह कर रखे ताकि पानी ईजिली चले जाए। नेचुरल आ रहा है ये बहता हुआ जड़ी बूटियों से, ये ऊपर से आ रहा है यहीं से कहीं से। झाड़ियाँ एकदम घनी है। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर अपने लंबे सफ़र में। अभी हमने आधी दूरी भी तय नहीं की है। अभी जिस रास्ते से मैं आया हूँ उन रास्तों से मेरे पे कुमार वगैरह लग चुके हैं, और यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ओस वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी है, नमी वगैरह ज़्यादा है। तो अभी देखना ये है कि जोंक कितने चिपके पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जोंक वगैरह बहुत ज़्यादा चिपक जाता है पाँव में। अभी मेरे पाँव में एक जोंक चिपकी है, मेरा अंदाज़ा सही निकला। तो ये बहुत ही छोटा है, अभी ये बच्चा था, ये देखो ये खून वगैरह पीता है। रास्ते पे अभी मैं चल रहा हूँ, इन रास्तों पे लोग अकेला आने की सोचते भी नहीं है और ना ही कोई अकेला आता है। तो अभी मैं यहाँ से घूमते फिरते हुए जा रहा हूँ। जंगल की एक अलग ही शांति है, अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ से अकेले जाने में। और कहीं कहीं पे झाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा घनी हो रखी है, और ये जो आवाज़ें हैं ये अलग ही तरीके की एक शांति सी महसूस हो रही है। शहर के गाड़ियाँ मोटर शोरगुल से दूर
सामने देखेंगे आप, ये हमारा गांव है और यहाँ से अभी तक इतनी दूरी मैं पैदल तय कर चुका हूँ, तो ये है हमारा गांव। इतनी दूर से आया मैं जंगल के रास्ते, जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे पूरे पेड़ चीड़ के मिलेंगे। जो पीछे थे वहाँ पे तो बहुत सारे झाड़ियाँ वगैरह अलग अलग प्रकार के पेड़ थे, पर यहाँ पे मिलेंगे आपको सिर्फ चीड़ के पेड़। मेरे चारों तरफ देखेंगे इस जंगल में सन्नाटा और का बिल्कुल भी कोई नहीं है। अब यहाँ से लग जाती है रोड, तो ये रोड जो है यहाँ से जोगीमढ़ी जा रही है और यहाँ से हमारे गांव का जो जंगल का रास्ता था जहाँ से मैं अभी आया, तो इस जगह को बोला जाता है गैरखाल। तो यहाँ देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे रास्ते ही रास्ते नज़र आएंगे आपको। एक रास्ता, दो, एक यहाँ से ये वाला जा रहा है नीचे को, तीन, चार, पाँच, अरे जिस रास्ते में आया था छः, ये ऊपर सात, ये सरायखेत आठ, अरे यहीं से नीचे दूसरे गांव के लिए नौ रास्ते यहाँ से जाते हैं। ये जो जोगीमढ़ी से सरायखेत वाली रोड है, इस रोड पे ना ही कोई आ रहा है ना ही कोई जा रहा है, और यहाँ पे एक गाय चल रही है अकेले अकेले सुनसान, इनके साथ कोई नहीं है चराने वाला। इस पेड़ पे छू तो से देखो कितने सारे और के एक गाड़ी मिली है। तो ये हमारे भाई जी, कहाँ से आ रहे हो, कहीं जाने दे। अरे बड़ा जी भी बैठे है, दादी भी बैठी है। अरे प्रधान जी सुबह, हाँ प्रधान तो आप ही हो, ना ना कल आगे सरायखेत क्या। तो आप लोग कहाँ से? तो हम तो सरायखेत गए थे, तब क्यों नहीं बोला फिर तेरे पापा ने? अरे मेरा प्लान बना अचानक से, मैं जा रहा हूँ घूमते, हाँ पैदल अभी जा रहा घूमते फिरते फिर वापिस। साथ नहीं खबर का क्या? मुझे पता थोड़ी था आप जा रहे हो सुबह, तेरे पापा को नहीं पता उस वक्त हम साथ ही जा रहे थे, पता नहीं बताया नहीं मुझे। तो अभी मैं घूमते फिरते आता हूँ, चलो ओके हैं, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे भैरव भगवान जी का मंदिर। यहाँ पे एक पहले मंदिर था, जब यहाँ पे रोड नहीं आई थी उस टाइम सबसे पहले यहाँ पे दीवार के अंदर एक पत्थर सा था ऐसे, और उसके अंदर एक छोटा सा सुरंग सा था, तो उसमें डालते थे फूल और पत्तियाँ। और अब वो मंदिर रोड के आने से ना यहाँ पे अब छोटी सी एक मंदिर बना दी गई है, तो यहीं पे लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो ये रास्ते की वजह से यहाँ पे बना रखा है, जो असली मंदिर है वो एकदम चोटी पे अंदर पहाड़ों के। अगर जो आपने वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो वाला ब्लॉग मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो चलिए फिर चलते हैं आगे, जो मज़ा नेचर को इंजॉय करते हुए जाने का है ना वो गाड़ी वगैरह में नहीं है। तो अभी एक अलग सी फ्रेशनेस सी महसूस हो रही है, क्योंकि भाई साहब जंगल का रास्ता एकदम बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा, जंगलों की अपनी एकदम प्योर शुद्ध ऑक्सीजन, चिड़ियाओं की चहचाहट और ये चींटियों की आवाज़। चींटियाँ ये क्या होते हैं, ये टिड्डे, कमेंट में बताना। और आप लोग लाइक वगैरह बहुत कम कर रहे हो, आपके लिए वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, तो एक लाइक आपकी तरफ से भी बनता ही है। तो चलते हैं अभी सरायखेत की ओर, अभी मेरे को बहुत जाना बाकी है। अभी बहुत देर पैदल चलने के बाद मुझे लगी है पानी की प्यास, और इस जगह को बोलते हैं जीरो पानी। यहाँ पे हमेशा पानी ऐसे आता रहता है, और ये पानी जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। अगर जो आप लोग इस जगह पे आए हो तो किस किस ने यहाँ का पानी पिया है कमेंट में बताना। और किस किस ने छुइयों का पानी पिया है ऐसे पहाड़ों का। अब चलते हैं आगे के सफर में। ये है कटपटिया मार्केट, और ये चाय की दुकान है, यहाँ पे एक ही दुकान है, तो यहाँ पे जब भी हम ऊपर आते जाते हैं तो यहाँ पे सब लोग चाय पीते हैं। तो ये तो मैंने हमेशा से ऐसे बंद हुए देखे, टूटे फूटे खंडर से। तो आप ये देख रहे होंगे ये गम सा, इसे बोलते हैं यहाँ पे लीसू। ये जो पेड़ है ये है चीड़ का पेड़, तो इस पर कट वगैरह मार के जो भी लीस वगैरह है ये सब इसके अंदर जा रहा है। ये आता है यहाँ पे डामर बनाने के काम, यानी कि जो रोडों में कोयलदार वगैरह लगाते हैं ना, जो चिपकता है जो गम होता है वो यही वाला गम होता है पेड़ों का। तो इससे ही जो कोयलदार कॉन्क्रीट वगैरह वो सब चीज़ें चिपकती हैं रोडों में। और इस वक्त आरको मैं उत्तराखंड की एक छोटी सी मार्केट में, इस मार्केट का नाम है सरायखेत, और ये जो कि कुमाऊं में आती है। तो मैं आ रखा हूँ पौड़ी गढ़वाल से, और ये आती है कुमाऊं में।
तो इनकी जो डिस्ट्रिक्ट है सराइखत वालों की, इनकी है अल्मोड़ा और हमारी है पौड़ी गढ़वाल। यहाँ से पौड़ी 160 किलोमीटर और अल्मोड़ा भी 160 किलोमीटर है और बैजरो यहाँ से नज़दीक है 37 किलोमीटर। ये मार्केट सराइखत मार्केट है और सतपुली देख सकते हो आप 121 और मरचुला तो फेमस जगह है 70 किलोमीटर, रामनगर 105। तो रामनगर ही जी नज़दीक है और पौड़ी और अल्मोड़ा तो 160 दोनों बराबर दिखा रहे हैं यहाँ से। तो ये है सराइखेत मार्केट, छोटी सी मार्केट है, यहाँ से घुमाते फिराते आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। और एक मार्केट और है जो कमला मार्केट के नाम से है, तो नीचे चलते आपको लेके। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो यहाँ से क्या मस्त नज़ारे आ रहे हैं चारों तरफ। तो ये सराइखेत की एक छोटी सी मार्केट है, इसे बोलते हैं कमला मार्केट। जो ये रास्ता जा रहा है ना, तो यहाँ से सामने टक्कर में जाओगे तो यहाँ पे स्कूल पड़ती है, तो यहाँ की स्कूल एक यहाँ पे और एक सराइखेत मार्केट में भी है। तो अब चलते हैं वापस मार्केट की ओर। फिलहाल तो मैं जिस काम के लिए आया था वो काम अब मेरा ख़त्म हो चुका है, अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर की ओर, घूमते फिरते जिस रास्ते से आए थे। तो सराइखेत मार्केट रह गई नीचे और आज का मस्त बढ़िया वाला मौसम हो रखा है और धूप भी लगी एकदम तेज बढ़िया वाली। और यहाँ देखिए ये है जानवरों का अस्पताल और यहाँ फूल के मस्त लगे हैं, बढ़िया खुशबू आ रही है इनकी। अरे काक सभा में दवा तू का के कुछ से नहीं भाई। तो जब चाय वगैरह पीते भी, बहुत पुरानी दुकान है बहुत ज़्यादा, मतलब हम तो पता नहीं बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं, तो यही बैठे रहते हैं यहाँ पे अब जब भी आओ। बाकी यहाँ पे कोई दुकान नहीं है। जब से ये रोड वगैरह आई है तब से यहाँ पे पब्लिक आती है या कम हो गई? नहीं, फायदा है उसे रोड आने से, फायदा है क्योंकि कई गाड़ियाँ रुक जाती हैं, कई ट्रक वाले रुक जाते हैं। अच्छा रुकते हैं ना, खाने की डिमांड आ जाती है। अच्छा खाने की डिमांड भी आती है। तो रात बीत में आप मतलब लोग आते हैं यहाँ पे? रात तो नहीं बस 8 बजे तक। 8 बजे तक? तो आप कितने बजे तक रहते हो यहाँ पे? 8 रात को, 7:30-8। और आप देखोगे रोड तो यहीं पे ही है, ये सामने रोड है, यहाँ पे अकेली इकलौती दुकान है। तो जरा चाय वगैरह ख़त्म करते हैं। तो भाई साहब जी अभी चाय वगैरह पी के यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे पता क्या, ये जो सांप काटता है ना उसकी जड़ी बूटी इनको पता है कौन सी होती है, तो वो देखते हैं पता चलेगा कि कौन सी वाली होती है, क्योंकि आज के टाइम पे ना ये चीज़ें विलुप्त हो रही है, कोई बताता नहीं है। तो काफ़ी टाइम से मतलब ना ये ऐसी चीज़ें कोई बताता नहीं है, चाहे मकड़ी का झाड़ा हो चाहे सांप काटने का हो, यहाँ पे कुछ भी ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो लुप्त होती जा रही है। तो इन्हें पता थी सांप की जड़ी बूटी, तो ये देते भी हैं, एक बार इनसे देख लेते कौन सी जड़ी बूटी है काम आएगी। चाय वगैरह पी के मैं वहाँ से आ चुका हूँ और अब थोड़ा ठंड से भी होने लग गई, शाम का टाइम है। तो उन्होंने मुझे बताई थी जो सांप काटता है ना उसकी जड़ी बूटी बताई थी, तो जो उन्होंने जड़ी बूटी बताई मुझे दो बताई, एक तो सांप की काटने की जिसको नॉर्मली लेते हैं, और एक जैसे कि वहाँ पे काला पड़ गया एकदम बहुत ज़्यादा ही, एक वो चीज़ बताई थी उन्होंने। तो जो बिल्ली वगैरह खाती है ना, बिल्ली भी सांप वगैरह मार के खाती है, ये वही वाली जड़ी बूटी है। तो अभी लग रही थी ठंड, मैंने स्वेटर वगैरह पहन ली। तो जो ऐसी जड़ी बूटी है ना, तो ये चीज़ें कोई बताता नहीं है इतनी आसानी से भी, कई बार तो लोगों के साथ ही ये चीज़ें अपने साथ ही लेके चले जाते, दब जाती है ये चीज़ें, तो कोई इतनी आसानी से बताता नहीं है। अभी जिस रास्ते से मैं वापस आया था तो उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, और जहाँ वो लास्ट दुकान थी वहाँ से लेके 7 किलोमीटर यानी कि हमारे यहाँ तक, ये जंगल 7 किलोमीटर में फैला है, बहुत ही बड़ा जंगल है। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आजकल रिख वगैरह लगाए तो उनके खेतों को रिख बर्बाद कर रहा है। और यहाँ से चलते हैं अभी घूमते घामते जंगल के रास्ते, और यहाँ बाघ तो हमेशा ही रहता है, खतरा तो बना ही रहता है। अब ये छूता मिला मुझे अभी यहीं पे ही मिला है, इस पे ये चीड़ के बीज हैं, चीड़ के बीज कुछ ऐसे होते हैं, तो ये छोटा सा बीज है और इनको खाने में ना बड़े ही मस्त मज़ा आता है, पर ये तो खाली निकला। तो ऐसे फूल जाते हैं, एक और है शायद इस वाले पे निकल जाए कुछ माल मटेरियल, जब ये खुल जाते हैं तो इनके अंदर से बीज अपने आप ही झड़ जाते हैं, बीज गिर चुके हैं। तो चलो चलते हैं अब आगे, अभी थोड़ा आग जलाते हैं
थोड़ा टंकी साफ करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब ठंड लगने लग गई, यहाँ का मौसम ना बहुत ही ठंडा हो रखा है, यहाँ पे धूप वगैरह यहाँ आती नहीं है, बहुत कम आती है। मैं लेके आया था एक प्लेट चाउमीन, तब ये चाउमीन खाते हैं यहाँ पे। और मेरे चारों तरफ देखोगे तो ये बहुत ही घना जंगल है, एकदम अंधेरा। सबसे ज़्यादा डर यहीं पे होती है क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह भी है, सारे जंगली जानवर यहीं पे आते हैं, तो ये पूरा पैक है ये जगह। और ये जैसा कि आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल ही अंधेरा और का भाई साहब, एकदम घना जंगल है। तो अभी यहीं पर ही रात होने वाली है मुझे, तो जल्दी से चलते हैं घर। यहाँ से अभी 3 किलोमीटर दूर है अभी मेरा घर का रास्ता, तो यहाँ से जाएंगे बिल्कुल। अब ये भी बुझने ही वाली है। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कहाँ से हो कहाँ से हो, मैंने अपनी इतनी सारी वीडियो में बता दिया मैं कहाँ से हूँ। तो अगर जो आप हमारे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ से हूँ। और काफ़ी लोगों के कुछ सवाल बार बार आ रहे हैं, जैसे कि आप कौन से ऐप से एडिट करते हो, तो मैं वीटा ऐप से एडिट करता हूँ और मेरा एडिट भी मोबाइल से ही होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप कौन से मोबाइल से व्लॉग बनाते हो, तो मैं iPhone XR से व्लॉग बनाता हूँ और मेरा सब कुछ एडिट वगैरह मोबाइल से ही होता है। तो मैं वीटा ऐप यूज़ करता हूँ क्योंकि ये फ्री ऐप है, तो इसको चलाना भी इजी है, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और एक क्वेश्चन आप सबके मन में भी होगा कि मेरी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई। मेरी यूट्यूब पेमेंट आई है, अभी तक मेरे अकाउंट में बिल्कुल नहीं आई। जब मेरे अकाउंट में आ जाएगी तब मैं एक ब्लॉग उस पर भी बना दूंगा। और अभी टाइम हो चुका है घर जाने का, अंधेरा भी हो गया, तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी चलते हैं घर को। तो मेरे पीछे देखेंगे भाई साहब ये पूरा जंगल के एरिया है, यहाँ पे इस टाइम पे कोई अकेले रुकता भी नहीं है, रहता भी नहीं है। तो अब चलते हैं घर। तो अभी आ रहा हूँ मैं इस जंगल के अंदर से, अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, तो मैं काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो। तो अगर जो वीडियो में पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।